हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। लोगों का डिमांड था कि सर मुझे आप अपने तरफ से एक सिग्नल वीडियो बनाएं, तो काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था और मुझे लगा कि आप सब लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये सब आप लोगों के बदौलत है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चैनल पर आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं और काफ़ी मोहब्बत दे रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग का क्वेश्चन था और कमेंट भी था कि सर आप मुझे सिग्नल के बारे में कुछ वीडियो बताएं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात यह है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी कहा था कि क्लाइंट जब भी आपसे सिग्नल के बारे में पूछता है तो आपको किस जगह से पहला चालू करना चाहिए सिग्नल। जैसा एक स्टोरी था मैंने उस वीडियो में सुनाया था, अगर आप वो स्टोरी नहीं सुने तो मैं आपको वापस सुना दूं, क्योंकि एक रीगर था और वो काफ़ी टाइम 2-3 बार इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहा था, बट उसको दूसरे क्लाइंट के पास जाना था। तो वो एक बार इंटरव्यू फेल कर गया, वो किसी भी तरीके से वो माफ़ी मांग कर या उसको वापस वो इंटरव्यू देने का कोशिश किया। जब वो इंटरव्यू दिया तो वो सोचा कि मैं क्यों फेल हो गया, मैं तो ऑलरेडी जो सिग्नल था वो मैं सही दे रहा था, बट मुझे क्लाइंट क्यों फेल कर दिया। तो इसमें जो पॉइंट की बात है, अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि ये क्या है, ये क्या है, जैसे ये बूम आप है, तो अगर वो आपको 20 से पूछ रहा है तो आपको कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको वो बता आपको ये बताना होगा। अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि अगर क्लाइंट कुछ भी नहीं बोल रहा है, खाली बोल रहा है कि आपको आप मुझे सिग्नल के बारे में बताएं, पूरा सिग्नल के बारे में बताओ, वो आपका माइंड चेक करना चाह रहा है कि आपका माइंड पहला कौन सा सिग्नल से चालू करेगा, तो ये आपका माइंड चेक कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला गलती कर लेते हैं क्या, वायर अप वायर डाउन, तो इस तरीके से बहुत इजी बोल देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम क्रेन खड़ा करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, तो ये आप एक पॉइंट की बात है। सबसे पहले हम मेन होस्ट का यूज़ करते हैं, मेन होस्ट का जो सिग्नल है वो हम इस तरीके से सर पर रख कर और उसको वायर डाउन करवाते हैं। वायर डाउन करवाने के बाद अगर हमें ये यूज़ करना है मेन होस्ट तो ये करेंगे, अगर हमें वाइपलाइन यूज़ करना है तो वाइपलाइन का ये सिग्नल, ये इस तरीके से हम उसे इशारा कर सकते हैं। उसके बाद ये तो दो हो गया सिग्नल, उसके बाद हम कोई भी कन्वर्ट में चले जा सकते हैं। पहला फर्स्ट हमें यही स्टार्टिंग करना है, क्योंकि जो हमें पॉइंट मिला है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप ये स्लोली वायर अप, या इसको ये हाथ इसके नीचे रख लिए तो स्लोली वायर डाउन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये मीडियम जैसा आप नॉर्मली जो चलते हैं वो थोड़ा फास्ट में चलेगा, अगर आपको स्लोली स्लोली चाहिए इस तरीके से आप सिग्नल भी बिल्कुल भी ना दे, ये गलत तरीका है। आपको अगर सिग्नल सिलो सिलो देना है इस तरीके का, तो आप इस तरीके का हाथ रखें और इस तरीके से वायर आपका स्लोली सिग्नल दे। अगर ये इस तरीके से मैंने कर लिया तो ये वायर डाउन का सिग्नल है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं परफेक्ट सिग्नल। उसके बाद आपको अगर बूम अप चाहिए तो बूम अप आप किस तरीके से करेंगे, तो बूम अप करने का ये तरीका है, बूम अप ये बूम डाउन। अगर बूम डाउन वायर अप चाहिए तो ये आपको बूम डाउन वायर अप, बूम डाउन वायर अप, या बूम अप वायर डाउन चाहिए तो ये बूम अप वायर डाउन, बूम अप वायर डाउन, तो इस तरीके से आप ये सिग्नल दे सकते हैं। अगर आपको राइट स्विंग चाहिए तो राइट स्विंग ऐसा नहीं, ये अंगुली अंदर डालकर ये राइट स्विंग दे सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट स्विंग चाहिए तो ये अंगुली इधर नीचे करके आप लेफ्ट स्विंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको परफेक्ट सिग्नल का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपको। अगर आपको बूम थोड़ा सा बाहर चाहिए तो ये बूम आउट
इस तरीके से बूम आउट बोलते हैं और इसको बूम इन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसके इन सिग्नल का प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद आपको जब डॉग एवरीथिंग जिसको कहते हैं, तो डॉग एवरीथिंग ये इस तरीके से होता है। डॉग एवरीथिंग मतलब आपका काम ख़त्म हो गया है और खाने के लिए या लंच के लिए छुट्टी के लिए इशारा करेंगे तो ऑपरेटर को डॉग एवरीथिंग का इशारा कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नल देने के टाइम, जैसे हम वायर अप या वायर डाउन या राइट स्विंग या लेफ्ट स्विंग किसी भी तरीके मोमेंट में करते हैं, अगर हम उसको स्टॉप करवाना चाहते हैं तो कभी भी हम ऐसा करें ऐसा, या तो कहीं कहीं इस तरीके से भी किया जाता है। और भी बहुत सारे अलग अलग बुक में, क्योंकि इसमें सिग्नल बहुत सारे डिफरेंट है, जैसे ब्रिटिश जो सिग्नल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट होता है, और जो अमेरिकन सिग्नल होता है वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंट होता है, बट सब सिग्नल सेम ही होता है। आप इसके लिए इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं इमरजेंसी के लिए इस तरीके से ये दोनों हाथ हिलाया जाता है और कहीं ऐसा किया भी जाता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आप सिग्नल जहाँ पर देते हैं उसी तरीके से और उसी पर ही रहना है। अगर आपको और भी एक्सपीरियंस हो गया तो आप और सिग्नल जानने की और कोशिश करें। आप ये ना करें आपका फर्स्ट दिन है या न्यू है तो आप सारे सिग्नल को जानने की ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप सिग्नल दे रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा मिस्टेक भी होता है। तो मिस्टेक कब होता है, जब आप एक कोई मटेरियल उठा रहे हैं, अगर उसके अंदर आपके पास तीन रिगर है, चार रिगर है, अगर चारों रिगर में से दो रिगर एक ही साथ सिग्नल दे रहे हैं अलग अलग दिशा के लिए, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से ना करें। अगर कोई सिग्नल है तो आप वही इंसान दें। तो आई होप कि वीडियो में आप बहुत कुछ सीखें, अगर सीखे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।